कर रहे थे, बेसिकली ये पैरालाइज थी। अच्छा, तो उन्होंने एफर्ट ही नहीं मारा इसको ठीक करने के लिए। ये हमारे घर आई, हमारे डॉक्टर साहब ने इसको 3 दिन न्यूरोमेन के इंजेक्शन लगाए, चौथे दिन ये खुद खड़ा होकर खाना खा रही है। हमारा लोगों को देखने में भयंकर लगता है। एंड ही हैज नो बाइटिंग फंडा, ये अपना मुंह भी नहीं बंद करता। मेरे को अभी ऐसे मिल जैसे मेरा पेट डॉग है। इसके क्या आएगी, इसको 3-4 फीडर्स ने आपस में इंटरचेंज किया था। अच्छा, उसको ट्यूमर था तो कोई भी ब्रीडिंग नहीं करवा पाया, तो उन्होंने सड़क पे छोड़ दिया। ये एक साल से मेरे पास ही है। एंड शी इज अ सुपर फ्रेंडली डॉग, इसे कुछ मर्जी कह दो, कितना मर्जी डांट दो, कुछ नहीं कहती है। अभी आया है लास्ट वीक, ओनर यूके चले गए है, तो ही कुडंट टेक हिम। ये 10 साल का है, जब आया हमारे पास उसने 1 हफ्ते खाना भी नहीं खाया। What's up everybody, क्या हाल चाल। सो आज का जो व्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बिकॉज मैं आया हूँ हमारे पंकज भैया के पास। और लास्ट टाइम हम इनके पास आए थे, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो आई बटन में आ रहा है। ही इज़ अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन, वेरी प्योर सोल। बिकॉज भाई जो चीज़ कर रहे हैं ना, वो कई लोग को के पास पैसा होते हुए, हिम्मत होते हुए भी नहीं कर पा रहे। एंड वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। अभी मैं आपको मिलवाऊंगा, भाई से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और उन्होंने अपना जो इतना प्यारा बंगलो है, ठीक है, मतलब विला बंगलो क्या 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 कुछ भी कह सकते हो। और ये ऐसी पोस्ट लोकेशन पे है ना, हमारे ट्राई सिटी की ऐसी पोस्ट लोकेशन पे है। और भाई ने जो है पूरे घर में अपने सारी जगह अपने बच्चों को दी हुई है। वो बच्चे कौन है अभी आपको मैं मिलवाऊंगा, और कितने सारे बच्चे हैं, चेंज होते रहते हैं, कोई नया आता रहता है, जाता रहता है, तो अभी सबसे मिलवाऊंगा। चलिए अभी अंदर चलते हैं। सो गाइस, आई एम पंकज, पंकज खंडेलिया। एंड बेसिकली मेरा मेन प्रोफेशनल बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड रियल इस्टेट पर्सन, बट लास्ट ईयर आई एंटर्ड एनिमल वेलफेयर। एंड हमने स्टार्ट तो छोटे छोटे मदरलेस पपीज़ को अडॉप्ट करवाने से शुरू किया था, बट इट वेंट इनटू रेस्क्यूइंग, और रेस्क्यूइंग से धीरे धीरे ट्रीटमेंट से फिर हमने डिसाइड किया कि हम खुद का हॉस्पिटल स्टार्ट करते हैं, ताकि हम बेस्ट केयर दे सके, पर्सनलाइज केयर दे सके। बेसिकली वी वॉन्टेड टू गिव दम ह्यूमन ट्रीटमेंट, इफ़ यू वॉट वी कैन कॉल इट, यू नो, ताकि उनका बैक हिस्ट्री तो पता नहीं होती कि क्या है मेडिकल की। तो द ट्रीटमेंट दैट वी गिव दैम हैज़ टू गिव दैम अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो। सिर्फ बच्चे को ठीक करके सड़क पर फेंकना इज नॉट द पर्पस, उनको रिहैबिलिटेट करना होता है। सो दिस इज़ माई मेन करियर राइट नाउ, आई कैन से, बिकॉज सुबह से शाम हम यही कर रहे होते हैं। हमारी केयर में ऑलमोस्ट 250 डॉग्स है राइट नाउ। वेलकम गाइस, बहुत टाइम के बाद फिर से मैं ऐसे में आई थिंक पूरा साल ही हो गया ऑलमोस्ट, राइट? हां, वो देखो हमारी डॉक्टर्स की टीम भी आ गई पीछे। अरे वाह, हॉस्पिटल से हमारे पैरामेड, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर। वाओ, क्या बात है। अभी इस टाइम कितने एम्बुलेंस चल रही है? अभी हमारी 4 एम्बुलेंस चल रही है, 2 लार्ज 2 स्मॉल। और पूरे ऑल ओवर हरियाणा ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं, हिमाचल में बहुत सारी चीज जगह कवर कर रहे हैं। बेसिकली बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस ओनली, क्योंकि बद्दी एम्बुलेंस भेज तो 3 घंटे लग जाते हैं आना जाना, बच्चा ढूंढने में, सेम गोस फॉर खड़ड़, शाम की भेजी हुई एम्बुलेंस रात को 9 बजे वापस आती है। पॉइंट तो फार डिस्टेंस के कारण ही हमें मल्टीपल एम्बुलेंस चलानी पड़ रही है। और इनिशियली तो पहले 8 महीने हमने चलाई भी फ्री थी, और हमारा एम्बुलेंस रनिंग बिल 1.25 लाख रुपये का आ रहा है। तो हमने अब लोगों से कॉन्ट्रीब्यूशन मांगनी शुरू करी है, जिसमें 50-60 हज़ार रुपये महीने के इकट्ठे हो जाते हैं लकीली। मम्मा आएंगे अभी पीछे से भाव करती हुई इनसे मिलने के लिए कि मेरे बच्चों को तंग मत करो। हाउ ओल्ड आर दे? दे वर बोर्न 11 डेज बैक। It was a surprise pregnancy. अच्छा। I'll show you the mother. She is so small and tiny. क्योंकि सर्जन ने तो उसकी सर्जरी करने से मना कर दिया था। ये कहाँ प्रेग्नेंट होगी? वो रही छोटी सी। ये सरप्राइज मिला है? Oh yes. अरे वाह। She just started popping them out. Oh my god. Tiki. अच्छा। Hello. वो चली गई। She was one of the first fosters that came to us. जब हमने इस फर्न फ्लफ स्टार्ट किया था। ये कभी वापस ही नहीं गई, और हमने भी इसको कभी छोड़ा ही नहीं। अरे वाह। Even right now we are using our own money most of the time. People do help now and then. Lekin Tri-City is a very thankless city, I must say, you know. Yahan pe free ki seva kisi ko samajh nahi aati. Wo ek private doctor ko 10,000 de sakte hai blood transfusion ke. Lekin wahi blood transfusion hum free mein karte hai to wo ghatiya hai. You know, x-ray ke 800 rupaye de denge par wahi x-ray hum free mein karte hai to hamara x-ray low standard hai. And ye mindset aap change nahi kar sakte metropolitan ke andar. सो हमारा मेन फोकस रहता है आसपास के शहर और आसपास के छोटे छोटे गांव, विलेजेस, नियर बाय लोकेलिटीज़, स्लम्स। मेरे पास मैक्सिमम 250 में से 200 बच्चे ऐसे ही एरियाज़ के हैं जहां कोई डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है या प्राइवेट गाड़ी नहीं जाती। बद्दी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से पहले सोनीपत
की बेल्ट सारी, कालका आपका हरियाणा के अंदर कैथल, ऑल दीज प्लेसेस वी केटर टू। बहुत प्यारी बच्ची है, ओए आ जाओ। सो अभी अंदर चलते हैं और बाकी और बच्चों से भी मिलवाते हैं। वैसे भैया घर बहुत ज्यादा सुंदर है और जो यहाँ पे बच्चे हैं वो उससे भी ज्यादा सुंदर है। ये देखो सो मच मिलने आए, मुझे ऊपर से जंप मार के आ गए। हमने थोड़े बच्चे इस हिसाब से डिफरेंशिएट किए हुए, जैसे यहाँ पे हमने पपीज रखे हुए मदर, इनको हर दो घंटे में दूध पिलाना होता है। You have to keep them in a warm environment and safe environment. Wow. How old are they? कितने old? They are approximately 13 to 14 days old. 30 to 40 days old. 13. 13 to 14 days old. हाँ. ये छह siblings थे, but only two of them have survived. And ये भी अभी critical है. इनसे तुम last time ही मिले थे? नहीं, this is actually copper. ये अभी आया है. Last week. Owner UK चले गए हैं. Oh. He couldn't take him. ये 10 साल का है, जब आया हमारे पास उसने एक हफ्ते खाना भी नहीं खाया। अच्छा। इवन इन सीरियस कंडीशन ही वाज पिसिंग ब्लड, पूपिंग ब्लड, बट नाउ इज मच बेटर, इज रोमिंग अबाउट। बेसिकली यू डोंट अडॉप्ट बीगल्स, बीगल्स अडॉप्ट यू ऑब्वियसली। वो आपको एक्सेप्ट करते हैं और आपके घर को एक्सेप्ट करते हैं। और ये जो छोटी सी मोनी है, इसकी मम्मा ब्रीडर से रेस्क्यू करी थी, बच्ची पास अवे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन सी ब्रीड? बेल्जियन बुली, काफी रेयर ब्रीड होती है। ओके, ये टाइगर स्ट्राइप्स होते हैं इनके ऊपर। वाह, ये हमारा माइलो है, इसके लिए ओनर ने इसलिए छोड़ दिया कि मैंने नया बिजनेस शुरू किया, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, हम बेसिकली रीजन पूछते ही नहीं है। ये मेरी बेला है, मालूम है, शी इज द क्वीन ऑफ द हाउस। हेलो बेला, ये सारा राजघराना इसका है। अच्छा जाओ। ये इसको सारी जगह की एक्सेस है, राइट? नॉट ऑल केसेस आर बैड, इस बेचारे के ओनर्स बहुत अच्छे हैं। इसको टिक फीवर हुआ है, पैरालिसिस, एंड ही वाज 5 केजीज। तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले इसका वेट लॉस होएगा, फिर इसका मसल गेन करवाएंगे। ओके, एंड इन द मीनवाइल वी हैव टू मेक श्योर, ये लार्ज डॉग्स ना अपने ऑर्गन्स के ऊपर स्ट्रेस डाल लेते हैं बैठे बैठे। हाँ, तो वी हैव टू मेक श्योर कि ऐसा कुछ ना हो ड्यूरिंग हीलिंग। ये ओगी है, ही इज अ वेरी गुड डॉग, इसकी ओनर को कैंसर हो गया। अच्छा, तो शी इज हॉस्पिटलाइज्ड, शी कुडंट टेक हिम, and he's very protective for my girlfriend and me. इसको पसंद नहीं कि हमारे पास कोई और आए। अरे सब पीछे जा रहे हैं। Enjoy। अरे वाह, इधर भी कितने सारे पप्पीज हैं। He was rescued from Shimla. इसको same tick fever paralysis हुआ। ये हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रिंस, he's our pet surgeon. पूरा फरेंट का पीने के देखभाल में चलता है। यहाँ पे भैया बहुत सारे ब्रीड्स वाले डॉग हैं, देख सकते हो। यहाँ पर लैब्राडोर है, यहाँ पर हस्की है, यहाँ पर पिटबुल है, यहाँ पर डालमेशियन है, यहाँ पर एक लैब्राडोर है, छोटा पपी। बेसिकली क्या होता है, जितने भी इंडियन डॉग्स या इंडियन पपीज होते हैं, दे आर वेरी इजी टू एडजस्ट टू न्यू एनवायरनमेंट। जब कोई ब्रीड डॉग आता है ना, आप उसको उठा के किसी को ना ऐसे नहीं पकड़ा सकते, उसकी साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा डैमेज होती है ऑलरेडी बीइंग लॉस्ट या बीइंग इन अ न्यू प्लेस। अभी पहले उसको नया एनवायरनमेंट मिला है, नए डॉग्स, नए लोग मिले हैं, वी हैव टू डीसैनिटाइज देम, यू कैन से सोसाइटी में, सड़क पे उनके साथ किस टाइप का बिहेवियर हुआ, उनको क्या एग्रेशन, क्या फियर फैक्टर है, वो सारे सिस्टम से रिमूव करने पड़ते हैं। बिल्कुल, एक ब्रीड डॉग को अडॉप्ट करवाने में एक्चुअली 1.5 से 2 महीना लग जाता है, और इंडियन डॉग फिर भी महीने के अंदर अंदर अडॉप्ट हो जाता है। अब ये पिटबुल है हमारा, लोगों को देखने में भयंकर लगता है, एंड ही हैज नो बाइटिंग फंडा, ये अपना मुंह भी नहीं बंद करता। मेरे को अभी ऐसे मिले जैसे मेरा पेट डॉग है। इसके दांत इतने ज्यादा सॉफ्ट है कि बाइटिंग इसके लिए पॉसिबल ही नहीं ह्यूमंस को, पर लोग डरते हैं। अब खेलता तो मुंह खोल के खेलता है, इज लाइक अ लैब्राडोर। तो आई नीड अ वेरी अंडरस्टैंडिंग फैमिली फॉर हिम, जो छोटी मोटी इंजरी से या चोटों से डरे ना। भाई साहब ने सोते सोते मेरे पेट पे स्क्रैच मार दिए थे, सुबह देखा तो पूरा लंबा स्क्रैच पड़ा हुआ था, कोई पेन ही नहीं हुआ, बट इनके क्लॉज ऐसे होते हैं। और अगर ये भाग गई है तो उसको उठा के हमारे पास लेकर आ। देखो ये दोनों का बालचारा मुश्किल, लड़ेंगे अभी दोनों, वो उसके अंदर जाता रहेगा। और इसकी हस्की की क्या स्टोरी है भैया? इसको पीटीएस कर रहे थे, बेसिकली पैरालाइज थी। अच्छा, तो उन्होंने एफर्ट ही नहीं मारा इसको ठीक करने के लिए। ये हमारे घर आई, हमारे डॉक्टर साहब ने इसको 3 दिन न्यूरोमेंट के इंजेक्शन लगाए,
चौथे दिन ये खुद खड़ा होकर खाना खा रही थी. अरे शी इज परफेक्टली फाइन, शी वॉक्स, शी टॉक्स, शी डज एवरीथिंग ऑन हर ओन. यू कैन सी हाउ हेल्दी शी इज. वाओ यार वाओ, थोड़ा सा दिखाओ. और इसको पपी है तो बहुत प्यारा. ये सीएच है, सिर्फ सेरेब्रल एपिलेप्सिया. इसके अंदर बेसिकली ब्रेन का एक पार्ट है जो बहुत छोटा होता है, जिसके कारण मोटर फंक्शंस कंट्रोल में नहीं है. तो ये लाइफ लॉन्ग ऐसा ही रहेगा. बट हमारी अटेम्प्ट क्या है कि हम इसको धीरे धीरे खुद खड़ा होने की आदत डालें, इसको स्टेबिलिटी सिखाएं जैसे जैसे ये बड़ा होएगा. बट इसके बॉडी पार्ट सही है वैसे. बॉडी पार्ट सही है, मोटर फंक्शन कंट्रोल नहीं है. कंट्रोल मोटर न्यूरॉन्स. ये समय के साथ या तो इम्प्रूव हो सकते हैं या वर्स हो सकते हैं. तो वो मेडिकेशन, फूड और उस पर डिपेंड करता है. अभी जैसे हम सबको देखे हाइपर हो रहा है. हाँ हाँ, ये इनब्रीडिंग के कारण होता है. जब सेम सिब्लिंग से साथ ही सेक्स करवा करवा के बच्चे करते हैं ना. अच्छा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इसीलिए अपने जो नाना चाचा ताए आप छोड़ते हैं ना, एक गोद में नहीं करते. तो वो यही कंसेप्ट होता है. रिसेसिव जीन होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं. अब इशू क्या है, सेम 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 करेगा तो आएगा. अब बेचारे को मोटर फंक्शन कंट्रोल नहीं है तो माउथ पे भी कंट्रोल नहीं है. कभी कभी गलती से बाइट कर जाता है विदाउट हैविंग एनी टेंशन फॉर इट. हमारे पास 35 लोग हैं, जिसमें 5 तो हमारे पास वेटरिनेरियंस है, जिसमें 2 हेड सर्जन है और 3 सर्जन अभी अंडर ट्रेनिंग है. 5 पैरावेट्स की टीम है. बेसिकली एनिमल वेलफेयर या मेडिकल बोलूँ, एनिमल मेडिकल में ट्रीटमेंट से ज़्यादा क्लीनलीनेस का रोल होता है. एक्चुअली यू हैव टू क्लीन द फैसिलिटी, यू हैव टू कीप इट क्लीन. उनकी फीडिंग पे ध्यान होना होता है. हमारे पास 4 फीडर्स और 11 तो क्लीनर्स है. मोर देन द मेडिकल टीम, हमारा फोकस क्लीनिंग और सेफ एनवायरनमेंट पे रहता है, ताकि बच्चे को हील होने का टाइम मिल सके. ओके, तो यहाँ पर भी अभी और भी बच्चे हैं. और ये वाले बच्चे से तो हम लास्ट टाइम भी मिले थे. यस, ये हमारी सबसे पहली रेस्क्यू थी. ये हमारा सबसे पहला बच्चा था. हमने इसको 3-4 बार रिलीज करने की कोशिश करी, लेकिन इसकी वुंड ऐसी है कि इसको बार बार ना प्रॉब्लम हो जाती है. हर सीजन इसको तो ये परमानेंटली हमारे पास ही रहती है. एंड लास्ट ईयर तुम जब आए थे तब ये भी थी पेशी. हाँ, पर इसकी पूरी बैक फटी हुई थी यहाँ से लेके वहां तक. अब पूरा 1 साल लगा है, बट शी इज हेल्दी नाउ, शी हैज गेन्ड वेट. अब हम कोशिश करेंगे कि अडॉप्ट हो जाए. ये हमारा बच्चा रेलवे कॉलोनी में घूमता रहा. पिटबुल थोड़ा पतला सा हो गया है. सो अब ये सभी के सभी वही केसेस हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया. मतलब ये सारे अबैंडनड है. पिटबुल्स तो किसने छोड़ा पता ही नहीं चलता, वो तो सीधा सड़क पे ही मिलते हैं. ब्रीड डॉग इन सबको तो फिर भी के मालिक छोड़ के जाते हैं. जितने भी पिटबुल है वो सारे सड़क से उठाए हुए पिटबुल है. रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे रिपोर्ट होते हैं. तो ये चीजें जब से वो पिटबुल वाला केस आया भैया, उसके बाद बढ़ गई है काफी, बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 4 गुना हुआ है. तो ये चीजें ना हमारी, मतलब वो जो सीन हुआ है, आई नो दैट इज वेरी रॉन्ग, वो ज्यादा गलत हुआ. बट उसकी वजह से लोग गलत इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा हुए. पिटबुल को लेके लोगों की दिमाग सोच भी बदली है ना. लोगों ने क्या करा, पिटबुल्स जो देखो, और पिटबुल्स मत खरीदो, नए पिटबुल ब्रीड मत करो, बट जो पुराने उनको भी प्लीज सड़कों में मत छोड़ो, बिकॉज बाद में उनका क्या होता है आपको पता नहीं. ये देख रहे हैं बिल्कुल मीमी जैसी है. कितनी एज अभी इसकी? बेबी होल्डर ये होगी 8-9 साल की. अच्छा, अप्रोक्सीमेटली. और इसकी स्किन डिसऑर्डर था, ब्लड लॉस का, काफी सारे इश्यूज थे. पिटबुल अमेरिकन बुली ऐसा कुछ? हाँ, ये अमेरिकन बुली है. अमेरिकन बुली है ना. ओके, तो यहाँ पर एक तो है बुल मैस्टिफ, राइट? यस, ये बुल मैस्टिफ है. और ये दूसरे वाला, ये वाला लास्ट ईयर आई थी. इसको 3-4 ब्रीडर्स ने आपस में इंटरचेंज किया था. अच्छा, उसको ट्यूमर था तो कोई भी ब्रीडिंग नहीं करवा पाया, तो उन्होंने सड़क पे छोड़ दिया. ये एक साल से मेरे पास ही है. एंड शी इज अ सुपर फ्रेंडली डॉग. इसे कुछ मर्जी कह दो, कितना मर्जी डांट दो, कुछ नहीं कहती है. इसका वेट कितना है? शी यूज्ड टू बी 50 केजीज. अभी तो ये बेचारी 35-40 के बीच में आ रखी है. इसको जॉन्डिस हो गया था. अच्छा, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रिकवरी फॉर हर. सो इसकी मेरे को आप, मतलब मुझे जैसे बता छोटे पहले हमारी ऑफ द कैमरा बात हुई थी, अगर इतना बड़ा ब्रीड कोई ले रहा है तो सबसे पहले आप ये याद रखना कि इसका अगर गलती से भी कोई भगवान ना करे मेडिकल इशू आ जाता है तो उसका, इसका भी भैया लास्ट कितना इस पे स्पेंड हुआ? अभी बीइंग अ हॉस्पिटल मायसेल्फ और खुद की मेडिसिन खुद के डॉक्टर के साथ भी, इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 70,000 रुपए के ड्रग्स लगे हैं 1 महीने में. शी हैड जॉन्डिस. इसको रिकवर करने के लिए स्टीरॉइड्स, ड्रिप्स, फिर में 3-3 बार और पता नहीं क्या कुछ लगा है. ये कौन सी ब्रीड है भैया? ये डॉगो अर्जेंटिनो है या पाकिस्तानी बुली है बताना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग कान ड्रॉप कर देते हैं. हाँ, यू नो. एंड अगेन, बेचारी का फेशियल स्ट्रक्चर अभी बड़ा वीक है. इसको ट्यूमर था इसलिए बंदे ने छोड़ दिया. इसका ट्यूमर ठीक हो गया है, अब हम इसको अडॉप्ट करवाएंगे.
सो आपने जितने भी डॉग्स देखे तो मोस्टली उनमें से कुछ डॉग्स आप अडॉप्शन के लिए देने के लिए हैं, मतलब अपने जो घर के बच्चे बन गए वो तो ओल्ड एज डॉग्स को देना अवॉइड ही करता है, क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि कोई मेडिकल एक्सपेंस उठाने पड़ेगा और हर साल हर 6 महीने में सीजन चेंज के साथ कोई ना कोई मेडिकल इशू वो आता रहेगा। कभी अगर जैसे स्टरलाइज नहीं कर सकते, इतने बूढ़े जिनको स्टरलाइज नहीं कर सकते, तो पायोमेट्रा का इशू आ जाता है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है इनको, तो अलग अलग टाइप के इशूज आते रहते हैं। अब मुझे इसकी एज नहीं पता, इसको स्टरलाइज करना वो भी पोस्ट टीबीटी रिकवरी के बाद, अभी 6 महीने तक तो ऑप्शन नहीं है मेडिकली। अगर कोई ज़बरदस्ती करना चाहे तो एनजीओस कर देती है, लेकिन हम नहीं करते। तो हम इसको चाहे 6 महीने अपने पास रखेंगे, पर कोई ऐसा घर ढूंढे कि जहाँ ये सेफ हो और इसकी ब्रीडिंग का रिस्क मिनिमम हो। बेसिकली वी वॉन्ट पीपल टू बी मोर अवेयर ऑफ स्टूपिडिटी एंड फ्रॉड्स। एनजीओस बहुत पैसे खाती है और बहुत पैसे बर्बाद करती है। मैंने ऐसे ऐसे ट्यूमर केसेस के लिए 70,000 रुपए की रिक्वेस्ट देखी है जो ट्यूमर केस करना पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी ट्यूमर को रिमूव करने के लिए 1.5 इंच की स्किन निकालनी पड़ती है। मुंह के ऊपर ट्यूमर आप आंख थोड़ी रिमूव कर दोगे, पर लोग वो सेंटीमेंटल फोटोग्राफ डालते हैं, लोग उस पर सेंटियों के पैसे भेजते रहते हैं। अल्टीमेटली 3 हफ्ते बाद पता लगता है बच्चा सर्जरी के बाद मर गया या सर्जरी में मर गया। दिस इज़ नॉट वेलफेयर एंड दिस इज नॉट इंटेलिजेंस। अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स मेकिंग अ बेटर वर्ल्ड, मेकिंग अ बेटर सोसाइटी। आप एजुकेशन की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करो, क्रुएल्टी रोकने की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करो, मेडिकल की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करो, बट मेडिकल विद अ पर्पस, नॉट ब्लाइंड मेडिकल। 5,000 रुपए के क्रिमेशन हो रहे हैं और 500 रुपए का टीका लगाने के लिए आप भीख मांग रहे हो ऑनलाइन, दैट इज़ नॉट एनिमल वेलफेयर। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि यू हैव टू बी स्मार्ट। लोग तो बेवकूफ बनाएंगे, पैसा बहुत है इसमें। मैं महीने का 9 लाख रुपए खर्चता हूँ, मेरे को 2 लाख रुपए आता है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि वो 7 लाख का जो गैप है वो 6 पे आ जाए, जो 2 लाख आता है वो 3 लाख हो जाए। वी ऑल्सो वॉन्ट टू सेव मनी, बट आई हैव सीन पीपल गेटिंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ मनी विद जीरो आउटपुट, जस्ट वीडियोज, जस्ट रील्स, जस्ट अब्यूज़। पूरा दिन खून खराबा, टूटे फूटे बच्चे, कभी ये नहीं बताएगी कि अल्टीमेटली बच्चे का हुआ क्या। फटा हुआ बच्चा हम उठा के ले आए, बच्चा शेल्टर पे है, कहानी खत्म। नेक्स्ट डे अगला बच्चा, नेक्स्ट डे अगला बच्चा। दिस इज़ नॉट वॉट वी डू। हमारा काम है बच्चे को ठीक करके, उसको अडॉप्ट करवा के उसको एक ज़िंदगी देना या उसको एक सेफ एनवायरमेंट में रिलीज़ करना। सो आई रिक्वेस्ट कि बी एजुकेटेड, बी इंटेलिजेंट एंड ट्राई टू फोकस ऑन वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग, नॉट वॉट इज़ विजुअली अपीलिंग।